यहाँ पे धर्मांतरण के नाम से लोगों को पीटा जा रहा है आरएसएस के द्वारा, हिंदू वाहिनी के द्वारा झूठा आरोप। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मैं हूँ राजेश पांडे और आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। तो आज मुनादी चौपाल में हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के नेता लियूस मिंज। आज इनसे हम कुछ सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी जसपुर में धर्मांतरण का मुद्दा काफ़ी जोरों से चल रहा है और धर्मांतरण को लेकर जगह जगह बवाल हो रहे हैं। इस मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। आपका स्वागत है लियूस मिंज जी। सभी लोगों को नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सर, ये अभी जसपुर जिले में धर्मांतरण का मसला काफ़ी जोरों से चल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब एक समाज के लोग वहाँ प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं और इस बहाने धर्मांतरण हो रहा है। इसको मतलब कितना गंभीर लेते हैं, या ऐसा कुछ मसला है? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि मैं अभी आम आदमी पार्टी का तो बहुत बात अभी मैं ज्वाइन किया, इसके पहले मैं ईसाई ही था और मतलब कि शुरुआत में जब से जन्म से मैं मतलब कि ईसाई धर्म को मानते आ रहा हूँ। और लेकिन यही आरोप अभी लगाया जा रहा है इस क्षेत्र में कि ये धर्मांतरण के कारण से ईसाई लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। और अभी जब घटनाएं हो रही हैं बगीचा में, कुछ घटनाएं हुई हैं लुड़ेग में, कुछ घटनाएं हुई हैं अभी नज़दीकी में, अभी 6 जून को यहाँ पे ज्वाला सापार में हुआ है, जबकि यहाँ पे धर्मांतरण के नाम से लोगों को पीटा जा रहा है आरएसएस के द्वारा, हिंदू वाहिनी के द्वारा झूठा आरोप लगा करके इन्होंने मतलब ने मारपीट करके उनको मतलब जेल के अंदर कर दिया। झूठा आरोप मतलब तो पुलिस देखती नहीं है उसमें कि मतलब आरोप किस तरह? पुलिस तो बाद में आती है, आजकल तो यही है बात आती है, जहाँ भी घटना घटती है वो घटना घटने के 1 घंटा के बाद या 1/2 घंटा के बाद पुलिस तक पहुँचती है। अगर मान लो यही झूठा आरोप लगने के पहले ही अगर मान लो पुलिस उसका भी जांच उचित तरह से मतलब करती तो ये नौबत नहीं आती। धर्मांतरण का तो नाम दिया जा रहा है लेकिन आपसी दुश्मनी यहाँ पे धर्मांतरण किया जा रहा है करके इन लोग जबरदस्त मतलब मतलब कि यहाँ पे आपस में वैमनस्य की भावनाओं को बढ़ाया जा रहा है। जैसे आप हमको बोला जाता है या जो कुछ भी हमारे पास अभी मौलिक अधिकार के अंतर्गत धारा 25 अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता को मतलब मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया है। सभी लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को अपने अपने धर्म मानने का अधिकार दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जाति विशेष खास करके ईसाई समुदाय वालों को ये बोला जा रहा है कि धर्मांतरण करके इनकी संख्या बढ़ते जा रहा है। लेकिन ये मैं तो ये कतई विश्वास नहीं करता हूँ कि ये जनसंख्या बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में बोला जाता है जसपुर जिला में 22% क्रिश्चियन लोग हैं, ईसाई आदिवासी लोग हैं बोलते हैं, लेकिन ये जो घर बनाया जा रहा है बोलते हैं गिरजाघर बढ़ते जा रहा है, लेकिन बढ़ते हुए जनसंख्या के अतिरिक्त इसकी जो ईसाई समुदाय की वृद्धि तो नहीं लगता है मेरे को। जितना परसेंटेज बताया 2011 से यही बताया गया है कि 22% यहाँ पे ईसाई आदिवासी है, लेकिन उसकी बढ़ोतरी कहाँ हो रही है? धर्मांतरण हो रही है तो उसका परसेंटेज भी बढ़ना चाहिए, वो परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है। घर भैया गिरजाघर बनने के लिए बन रहा है उसको कांग्रेस वाले कांग्रेस की शासन बोल रही है कि यहाँ पे बीजेपी की सरकार के टाइम में गिरजाघरों की संख्या ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन गिरजाघरों की ज़्यादा बढ़ी है तो उतना ही मैंने धर्मांतरण करने के पश्चात इनकी संख्या भी वृद्धि होती है, लेकिन वृद्धि तो उतना नहीं हो रही है। लेकिन कहाँ से इन लोग आरोप लगा रहे हैं कि इनकी धर्मांतरण हो रही है? अभी आपने एक बात कही कि धर्मांतरण की आड़ में लोगों को पीटा जा रहा है, तो मतलब तो आप लोग तरफ से कोई शिकायत क्यों नहीं होती? बिल्कुल शिकायत कर रहे हैं और शिकायत अभी हमने 14 जून को हमने धरना प्रदर्शन भी किया है और जो जिन्होंने अगर मान अभी ज्वाला छपार का केस के अंतर्गत मैं भी गया हुआ था वहाँ पे मतलब जो कलेक्टर को एक ज्ञापन भी दिया है कि अगर मान लो 7 दिन के अंदर में उनको अगर मान लो जेल नहीं दिया जाता या जेल नहीं की जाती है या रिपोर्ट नहीं की जाती है तो उनके 7 दिन के अंदर में विशाल और एक धरना किया जाएगा, जुलूस निकाला जाएगा। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से धरना होगा या फिर सामाजिक धरना होगा? पूरा ये सामाजिक धरना होगा, ये सामाजिक धरना होगा या आम आदमी पार्टी की तरफ से, किसी पार्टी विशेष की तरफ इसमें नहीं है इसमें। लेकिन ये बोला जो
मैं तो बोलूं कि अभी जो वर्तमान में कांग्रेस सरकार का शासन है, ठीक है, लेकिन इनको भी देखना चाहिए कि कहीं पे भी किसी भी विभाग में है, अगर लेकिन ये पार्टिकुलरली ये धर्मांतरण की बात आ रही है तो धर्मांतरण की बात करने के बजाय वो चल रही है, तो इसको उचित जांच करवाए और जिन्हों जो जो मतलब उनकी गलती किया है या आरोपी हैं बने हैं उनको जल्द से जल्द उनको एफआईआर करके उनको जेल भेजा जाए। लक्ष्मण जी, एक बड़ी बात यही आती है कि जैसे आपने कहा कांग्रेस की सरकार है और ऐसा माना जाता है कि जो आपकी जो कम्युनिटी के जो लोग हैं वो कांग्रेस के सपोर्टर होते हैं, तो क्या कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि हैं वो आपका सपोर्ट नहीं कर रहे? नहीं, जन प्रतिनिधि तो मैं तो यही बोलूंगा कि कांग्रेस अभी इस मामले में मतलब कि जो बाहर ही है, इसको मतलब कि सपोर्ट तो मेरे हिसाब से लगता है कि ये सपोर्ट तो नहीं कर रही है, क्योंकि अगर सपोर्ट करी होती तो ऐसा मतलब न कि एक हमारे मतलब कि छोटी सी जो गलती नहीं थी उसको जबरदस्ती मतलब उसको मतलब के बढ़ाया गया और उसका भी मतलब अभी तो दोनों जन का बीजेपी वालों का भी सपोर्ट कर रही है। मेरा अनुमान तो यही लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी सरकार मतलब बीजेपी की पार्टी दोनों मिल करके ये भाई भतीजा करके एक मामला को मतलब सलताया जा रहा है। किस तरह से मिले हुए? जैसे कि अभी देखिए आगे अगर हम लोग जो धरना दिए हैं तो उसका मतलब कि परिणाम अभी 7 दिन के अंदर, अभी मेरे को 7 दिन होने का हो गया, समझ लीजिए पूरा 7 दिन हो गया, अभी तक किसी प्रकार का मतलब उनको किसी प्रकार के एफआईआर दर्ज करने के बावजूद भी उसको मतलब कि गिरफ्तार करने की बात हुई, जिन्होंने बाला छापार में जाके के उनको मारा पीटा धर्मांतरण के नाम से मतलब आरोपी बना के मतलब ले गया है उन लोग, जब उल्टा मतलब बन के जो आरएसएस वाले थे और हिंदू वाहिनी वाले जो भी व्यक्ति गए थे उनको मतलब बनाए उनके आगे विरोध में मतलब रिपोर्ट दर्ज करके जेल भेजा जाना चाहिए था। नहीं तो क्या कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों से आपके समुदाय के लोग नहीं मिलते हैं, जो वहाँ के विधायक भी जो मतलब ये कांग्रेस के? मेरी जानकारी में ये है कि मैं 7 तारीख को मैं यहाँ पे आया हुआ था, कुंकोरी महागिर जाके सिस्टर रूम के पास मिलने के लिए आया था, तब मेरे को पता चला था कि हमने कांग्रेस विधायक अभी जो वर्तमान में हैं उनके पास हमने फ़ोन किया था बोले, और वो उन्होंने कहा है कि हमको 24 घंटे के बाद में हमको सूचित कर रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? ये मैंने कौन से विधायक बोले? यहाँ के वर्तमान विधायक कुंकोरी के विधायक बोले। अच्छा, हाँ ये बोले हैं, जबकि अगर ये 24 घंटे के लिए है या अगर उनको इन्फॉर्मेशन हो तो जनता के मतलब करने प्रतिनिधि है तो उनको तो मतलब तत्काल किसी भी प्रकार का मतलब करने सहयोग करके या कुछ मतलब ने उनको सलाह दे करके हमको क्या करना चाहिए। 24 घंटे का अंतराल का मतलब क्या मतलब होता है? 24 घंटे का बात ही नहीं होना चाहिए हमको तो, मतलब 1 घंटे 2 घंटे के अंतराल में हम उसका मैंने परिणाम देना चाहिए उनको कि हम एक प्रतिनिधि के रूप में हैं तो मतलब चुपचाप थोड़ी पड़े बैठे रहना है। जसपुर के चूंकि मामला जसपुर का, जसपुर विधायक से क्यों नहीं मिले? जसपुर विधायक देखिए हम लोग तो दोनों अभी तो मतलब किसी पार्टी के विरोध में हम लोग खास करके मतलब के पार्टी के नाम लेकर के तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन शासन के जो भी है अभी विभागीय मतलब के जांच के तौर पे पुलिस विभाग को और जिन्होंने मतलब के जो जा करके वहाँ पे मतलब के हड़दम मचाया या जबरदस्त उनको मतलब आरोपी बनाया गया उनके विरोध में हमने एफआईआर दर्ज किया हुआ है। उनके अभी 7 दिन के अंदर उनको अगर गिरफ्तार नहीं करते हैं तो उनके लिए विशाल जुलूस निकाला जाएगा, यह ईसाई महासभा के द्वारा किया जाएगा। नहीं तो ईसाई कम्युनिटी के जो जो नेता होंगे पदाधिकारी होंगे उनसे भी आपकी बातचीत हुई होगी कि ये मतलब ये जो कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि हैं विधायक हैं तो मतलब उनका मतलब सपोर्ट किस तरह का आ रहा है पार्टी में, और अगर सपोर्ट कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं इसका सामाजिक प्रभाव क्या पड़ रहा है? इसमें इसका सामाजिक प्रभाव तो आने वाला समय में मतलब जब चुनाव के टाइम में पता चलेगा इसको, अभी तो एकदम ओपनली या खुली तौर से तो किसी प्रकार का बोल नहीं सकते हैं कि अभी मैं ही विधायक हूँ तो या मेरे शासन है तो ऐसा तो बोल ही नहीं सकते हैं। तो चुनाव का समय आएगा और जब चुनाव होगा तब पता चलेगा कि है क्या चीज़, वो तो अंदर की बात है। अभी तो मतलब कि सब कुछ समझ गए हैं ये बात को कि हमारे पास मतलब कि जो कांग्रेस शासन का होने के बावजूद भी मैंने किसी प्रकार का मतलब के सहयोग इसमें नहीं दिख रहा है, अपने को ये भी लगता है। तो ये देखिए, ये आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष लियो सिमिंज जिनका कहना है कि
जो कांग्रेस के जो जो ईसाई समुदाय के लोग होते हैं, जो कांग्रेस के सपोर्टर होते हैं, आज मतलब धर्मांतरण के नाम पर इस समुदाय के साथ में ज्यादती हो रही है और ऐसे वक्त पर कांग्रेस इनका सपोर्ट नहीं कर रही है, तो इस बात को लेकर जो समुदाय के जो लोग हैं, ईसाई कम्युनिटी के लोग हैं, उनमें काफ़ी नाराजगी है और ये नाराजगी अभी तो सामने नहीं आ रही है, लेकिन इस नाराजगी का असर 2023 के चुनाव में देखने को मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल राजेश पांडे के साथ।